हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई हॉबीज गार्डनिंग में और इन फ्लावर्स के साथ। तो कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, ये डबल पेटल वाला फूल है। इसमें देखिए, गुच्छे में जो फूल होता है इस तरह से, ये वो वाला पिंक है और ये वाला सिंगल है, क्योंकि ये अलग अलग प्लांट हैं। ये है तो पिंक में ही, पर सिंगल फ्लावर्स हैं, बिना खाद के ही ये अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। और ये फूल के अपने लोट से झुक गया है तो इधर साइड को भाग रहा है, ये देखिए उधर को भाग रहा है, क्योंकि फूल का लोट आ जाता है। और ये मेरे फ्री के प्लांट हैं, कटिंग से मैंने ये सारे कनेर मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं, मैंने एक भी कनेर खरीदा नहीं है। और इनकी बस मैं ना कटिंग कर पाई, ना प्रूनिंग कर पाई, ना खाद दे पाई हूँ, फिर भी ये मेरे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। पर्सनल में भी फूल आ गया है और इसी में कि मैंने कटिंग ले लेके लगा दी है। और ये देखिए कलियाँ जो बन गई हैं, बर्ड्स, ये देखिए बर्ड्स बन गई हैं, पिछले साल की ही है, ये मेरी ऐसे पड़ी हुई है। और ये देखिए गुलदाउदी में भी कलियाँ आ गई हैं, दोबारा से आ गई हैं कलियाँ, अब इनमें फिर से फ्लावरिंग होगी एक बार। जो लोग बोलते हैं, यूट्यूबर्स जो गार्डनर्स हैं, बोलते हैं ना कि दोबारा फ्लावरिंग होगी, हाँ होती है दोबारा फ्लावरिंग, वो झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने अच्छे से उनकी केयर की है तो दोबारा से भी फ्लावरिंग होगी। और जबकि मैंने तो कोई खाद भी नहीं दी है, आपको मैं सच बताऊँ तो छत पे तो मैं कोई काम खास कर ही नहीं पाई हूँ, बस फिर भी मेरी गार्डनिंग अच्छे से चल रही है, क्योंकि मिट्टी जब अच्छे से हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इनमें थर्माकोल में वेस्ट मटेरियल ही नीचे भरा हुआ है, तो वो डीकम्पोस्ट होके खाद बन गया है, इसलिए मुझे खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जब से मैंने मिर्च का प्लांट लगाया है तब से मुझे इसमें मैंने खाद नहीं दी है, और मेरा मिर्च का प्लांट अच्छे से मिर्च दे रहा है और खूब अच्छी हार्वेस्टिंग हो रही है हमारी, आप लोग देख सकते हैं। इसकी मैंने हल्की हल्की बस छटाई की थी और देखिए इसका रिजल्ट आप लोग ये देखिए। तो वेस्ट मटेरियल डालने का ये फ़ायदा होता है। धनिया भी हमारी ये देखिए इस तरह से हो गई है, इसमें शीट बनने लग गए हैं, तो अब मैंने छोड़ दिया, वैसे धनिया की शीट नहीं है, इसको मैं हटा ही दूंगी, क्योंकि इसकी मैं अब इनकी सबकी मैं थोड़ा ये सब हटा के क्लीनिंग भी करनी है। और ये हमारा देखिए डबल चांदनी का प्लांट है, ये भी बेचारा इसमें जो है दब गया है, सब ने इसको दबा लिया है, इसको भी हमें स्पेस देना है ताकि अच्छे से ये ग्रो हो सके। और ये मेरी टिकोमा की कटिंग है, लग गई है, ये पिंक वाला टिकोमा मैंने लगाया था, कटिंग लग गई है। और इसमें मैंने पता नहीं कौन सी लगाई थी, इसमें कोई भी नहीं हुई है, ये एक हल्की सी इसमें किल्ले आ रहे हैं बस। और ये मैक्सिकन हैदर भी, और ये मेरे देखिए गुलदाउदी, सब बड़े अच्छे से चल रहे हैं। इनमें वो काला काला मिली बग क्या बोलते हैं, वो भी आ गया था, तो मैंने अभी तक इसमें नीम ऑयल का स्प्रे भी नहीं किया है दोस्तों। बस मैं एक काम करती हूँ, जब भी मैं वाटरिंग करती हूँ, ये टिप बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि मैं खुद मैंने ये किया है और मैं करती हूँ, उसी को आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो आपको किसी चीज़ की छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी मैं पाइप से ही मैं पानी डालती हूँ तो मैं ऐसे पकड़ पकड़ के इनको मैं वॉश कर देती हूँ। मिलीबग तभी आती है जब हमारे में कलियाँ आने लग जाती हैं। ये देखिए सारी मेरी क्लीन है, अभी मैंने वॉटरिंग की है, सारा कुछ धो दिया है, मैं ऐसे ही ऐसे पकड़ पकड़ के मैं पाइप से मैं धार मार मार के धीरे धीरे मैं इनको वॉश कर देती हूँ। और इस साइड भी बर्ड्स बनने लग गई हैं, ये देखिए कलियाँ बन रही हैं, ये अब गुलदाउदी में सभी में फ्लावरिंग हो जाएगी एक बार, और मेरा गार्डन गुलजार होगा फूलों से। मुझे बहुत खुशी हो रही है, पिछले साल भी फ्लावरिंग हुई थी और इस साल भी होगी। पिछले साल मैंने फ्लावर्स आ रहे थे बर्ड्स, तो मैंने कट
कर दिए थे क्योंकि छोटे छोटे ग्रो बैग में मैंने डाल रखे थे, मैंने कट कर दिए थे, पर इस साल मैंने कट नहीं किए हैं। इस साल मैं दोबारा भी फ्लावरिंग लूँगी, ये देखिए बट, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो इस साल भी एक तरह ये गुलदाउदी के फूल आएंगे, दूसरी तरफ ये हमारे मॉस रोज के फूल आएंगे और ये मैक्सिकन पिटूनिया के भी फूल आएंगे। ये देखिए फूल खिले हुए हैं, जब इनकी कली आती तो ये वाइट ही होते हैं तो पता नहीं चलता है, मुझे लगता कहीं ऐसा ना इसमें से पिंक और पर्पल ही आया हो, वाइट आया ही ना हो, क्योंकि इसमें भी पिंक आया फूल, इसमें भी, इसमें तो पर्पल आया, अब इसमें देखिए कौन सा आता है फूल। चलिए दोस्तों अब मैं दिखाती हूँ मैं क्या काम कर रही हूँ। ये देखिए ये मैं पॉट लगाकर लाई हूँ और मैं दोस्तों दोनों हाथों से लेके मैं आ रही थी और मैं स्लिप हो गई और मैं गिर भी गई, धम से हो गई इनको दोनों को लेके, बट मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पॉट को कुछ नहीं हुआ। तब तक हमारी फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो वो पूछने लगी क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं मैं गिर गई, तो बोली मैंने कहा बस मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे पॉट को कुछ नहीं हुआ, तो बोली लो पॉट की चिंता है खुद की नहीं है। मैंने कहा सबसे ज़्यादा चिंता पॉट और प्लांट की ही है हमें। चलिए दोस्तों अब मैं दिखाती हूँ, मैं कल गोबर की मैं खाद भी ले आई हूँ, मैंने इन पर भी इसको मैंने सीधा कर लिया दोस्तों, इन पे भी मैंने कोई काम नहीं किया है, लेकिन इनकी मिट्टी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी वेल्ड्रेन है और बहुत भुरभुरी, देखिए गीली है मिट्टी, मैंने पानी दे दिया है उसके बाद भी भुरभुरी है, तो मैं क्या करूँगी इनमें नीचे तक ये देखिए रूट्स आ गई हैं, तो मैं इनको अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी और मैं इन्हीं के नीचे क्या करूँगी खाद डाल दूंगी, खाद डालने से काम हो जाएगा, मिट्टी भी थोड़ी सी अगर मैं डाल दूं तो ज़्यादा सही रहेगा। ये इसको मिट्टी और खाद, क्योंकि इनमें अब मैं जो और अदर प्लांट्स हैं हमारे उन और इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप इनमें बेकार ज़्यादा कुछ मत डालिएगा, ये बस इतनी सी गोबर की खाद मैंने डाल दी है, अब ये नीचे से न्यूट्रिशन ले लेंगे और ऊपर से मैं इनको लिक्विड देती रहूँगी, और इसमें चाय की पत्ती बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि चाय पत्ती नाइट्रोजन और पोटास भी होता है उसमें, तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इनको क्या चाहिए सबसे ज़्यादा फैलने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, फूल निकालने के लिए पोटास चाहिए, रूट्स इनमें इतनी स्ट्रांग होती ही नहीं है, छोटी छोटी होती हैं, तो मैं तो और कुछ इनमें दे देती ही नहीं हूँ। आपने पिछले साल के मेरे वीडियोस देखे होंगे, जो हमारे पुराने दोस्त हैं गार्डनर उन्होंने देखा होगा कितनी बम्पर फ्लावरिंग होती थी, पूरा भर जाता था बेड सा फूलों से, तो मैं कुछ नहीं देती, बस मैं यही देती हूँ, गोबर की खाद दे दी अभी, फिर मैं चाय पत्ती डाल देती हूँ, वो तो महीन महीन होती है, स्प्रिंकल आप कर दीजिए या फिर लिक्विड उसका दे दीजिए, और या गोबर की खाद भिगो के या वर्मी कंपोस्ट भिगो के इसमें डाल दीजिए लिक्विड, क्योंकि ये पूरा भर जाता है, फिर इसमें स्पेस नहीं होता अदर खाद आप दे पाएँ, तो इस वजह से ऑफिस समर में ठोस खाद देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमारे प्लांट्स की रूट्स नुकसान होता है, इस वजह से मैं लिक्विड ही देती हूँ, वो भी सुबह सुबह या फिर शाम को, दोपहर में नहीं, दोपहर में तो बिल्कुल भी अब कोई खाद नहीं देनी, किसी प्रकार का छिड़काव नहीं करना, धूप अभी से ही बहुत तेज़ हो गई है, ये देखिए मैंने इसी पॉट में ऐसे एग्जिट छोड़ दिए थे लास्ट ईयर के, बहुत और सारी मैंने कटाई कर दी थी, बिल्कुल इतने नन्हे नन्हे मैंने छोड़े थे और डंडी डंडी थी, ये देखिए ओल्ड डंडियाँ कुछ थी और उसी में ये अपने आप ही ग्रो हुए बिना खाद के, सिवाय सिर्फ मैंने इनमें पानी दिया है, अब मैं इसको इसमें शिफ्ट कर दूंगी, फिर दिखाती हूँ दोस्तों, अभी एक हाथ से पूरा जो है उठ नहीं पाएगा, इसलिए ये देखिए दोस्तों मैंने गोबर की खाद इसमें
भिगा के रखी हुई है, और मेरे पास वर्मी कंपोस्ट और चाय पत्ती का तो बोतल में है ही है भीगी हुई, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था। अब ये मैं भिगोया, इसी में पानी डाल के मैं इन सारे प्लांट्स में दे दूंगी। ये भीगने के बाद बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल फर्टिलाइजर बन के तैयार होता है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने रख दिए हैं और साई और ऊपर से मैंने हल्का हल्का, ये बूरा है ये खाद का इस टाइप का, ये मैंने इस पे स्प्रिंकल कर दिया है ऊपर से भी। अभी पानी दे दूंगी ना तो ये अच्छे से नीचे चला जाएगा, जिससे कि ऊपर भी इनको खाद मिल जाएगी और ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। और इसको हटा दें, ये पर्सलिन इसमें आ गई है, पर्सलिन को हटा दें तो ये अच्छे से अब ये ग्रो होंगे। इसमें पर्सलिन का भी आ गया है टुकड़ा, कहीं से गिर गया होगा। इसको अलग कर देंगे, इसकी रूट नीचे तक पहुंच गई है, इसको कट करना पड़ेगा। इस तरह से अब इनमें पानी डाल के आप इनको डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि हमने रिपोर्ट किया है तो हम धूप में ना रखें, छाई में ही रखें, ऐसी इनमें कोई समस्या नहीं है। दोस्तों डायरेक्ट धूप में भी हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी जगह हो गई खाद डालने के लिए। इस तरह से ये हमारे दो पॉट तैयार हो गए हैं। इसी तरह से मैं और भी सारे तैयार कर लूँगी और फिर इनकी मैं अच्छे से सेटिंग भी कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दोस्तों प्रेस कर लीजिए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।